हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक ए सिविल। आज का वीडियो का टॉपिक है हम लोग साइड में जो शटरिंग करते हैं उसका डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके ऊपर पूरा वीडियो होने वाला है। तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो पूरा वीडियो देखिए, देखिए जो शटरिंग है अप्लाई के ऊपर बटन लगा के जो शटरिंग होता है हम लोगों का, उसका डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं उसके ऊपर आज पूरा वीडियो है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक शटरिंग का क्वांटिटी निकाल लिया हूँ। टोटल 5500 स्क्वायर मीटर में पकड़ा हूँ एक प्रोजेक्ट का जो शटरिंग होता है, एक छोटा प्रोजेक्ट का। तो उसका जो शटरिंग है, एक प्लाई का रिपीटेशन हम लोग 6 पकड़ा है। तो प्लाई का रिपीटेशन, प्लाई का साइज़ है आपका 1220x2440, तो 2.97 स्क्वायर मीटर। एंड आपका यहाँ पे 6 रिपीटेशन पकड़ा हूँ, तो 6 रिपीटेशन में मेरे को थोड़ा टोटल प्लाई लगेगा यहाँ पे देखिए 308.62। एंड 10% ओस्टेज पकड़ो, कटिंग ओस्टेज पकड़ो मैं यहाँ पे, तो टोटल आता है 339। तो राउंड अप करके आता है टोटल 340 प्लाई। और प्लाई में 6 2x3 का बटन लगता है यहाँ पे देखिए, जो पिक्चर में देखा रहा था यहाँ पे देखिए, जो बटन लगता है प्लाई का सपोर्ट के लिए, उसका शटरिंग का सपोर्ट के लिए, तो वो बटन है आपका 50x75, मतलब 2x3 का बटन है। और एक प्लाई में 6 बटन लगता है, तो वो बटन का आपका 8 फीट, मतलब 2.4 मीटर। तो देखिए यहाँ पे 6 पीस के हिसाब से आपको टोटल 2040 नंबर ऑफ बटन लगेगा यहाँ पे। तो एक बटन का जो आपका क्यूबिक फीट है वो है आपका यहाँ पे 0.317। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या हुआ है, ऐसे में यहाँ पे इसका शेप निकला हूँ 2400x50x75 इतना इंटू 35x315=0.317। तो टोटल मेरा सेफ्टी आ गया यहाँ पे देखिए 646.68 सेफ्टी मेरा बटन लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट निकलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसका रेट पकड़ा है। तो एक प्लाई का रेट होता है आपका 2560 रुपया। तो 340 प्लाई के लिए हम लोग को लगेगा टोटल 87,400। एंड जो बटन है, बटन का प्राइस हम लोग पकड़ा है 800 रुपया पर सेफ्टी, तो यहाँ पे आता है 51,073,044। एंड लेबर कॉस्ट पकड़ा है हम लोग इसका, मेकिंग कॉस्ट 50 रुपया पकड़ा है हम लोग यहाँ पे, जो प्लाई रिपीटेशन होगा 5-6 बार, तो उसको थोड़ा रीमेकिंग करना पड़ता है, उसके रेट 50 रुपया पर स्क्वायर मीटर। फिर नेल्स रहेगा हम लोगों को 150 ग्राम पर स्क्वायर मीटर। और नेल्स का आपका 50 रुपया केजी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे पकड़े हैं। और बाइंडिंग और जो आप हम लोग बाइंडिंग और लगता है शटिंग में, उसका हम लोग 90 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पकड़े हैं, तो उसका रेट 9। तो देखिए यहाँ पे नेल्स का जो है टोटल 1.5 केजी पर स्क्वायर मीटर, तो टोटल मेरा 5500 है। तो 5500 को 6 रिपीटेशन में हो रहा है, तो 6 रिपीटेशन इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि नेल्स तो एक बार ही लगेगा, बाद में उसको रीमेकिंग में 10% पकड़ लूँगा मैं। डिवाइडेड 6 × 1.1 10% हो गया। फिर आपका यहाँ पे आता है 6 × 1.1। तो देखिए मेरा टोटल यहाँ पे कॉस्ट आता है अभी 1,52,000 इतना। तो पर स्क्वायर मीटर में मेरा रेट आता है देखिए, ए जो टोटल रेट डिवाइडेड 5500, तो 276 पर स्क्वायर। सब्सक्राइब कीजिए टेक ए सिविल चैनल को और प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट लेटेस्ट फ्लोर प्लान सबसे पहले देखने के लिए। स्क्वायर मीटर ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, नेल जो हम लोग पकड़े थे 1.5, इसको टोटल इसके साथ मल्टीप्लाई करके 6 रिपीटेशन को डिवाइड करके 10% पकड़ लिया। इसके साथ बाइंडिंग और भी सेम है। तो अभी आता है मेन कॉस्ट एनालिसिस। तो मेरा पर स्क्वायर मीटर में लेवर मटेरियल कॉस्ट आता है 277, ये यहाँ से आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे था मेरा टोटल जो मेरा शटरिंग है 5500 6 रिपीटेशन पकड़ के, उसका मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे आ गया है। अभी आता है मेन रेट एनालिसिस देखिए। तो टोटल मेटेरियल कॉस्ट मेरा 10 मीटर स्क्वायर में पकड़ के 2770। सपोर्ट बैटन ब्रैकेट MS एंगल रेन 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, तो आता है 277। शटरिंग ऑयल आपका 1 kg पर स्क्वायर मीटर, तो 10 स्क्वायर मीटर में 10 kg, तो आपका यहाँ पे आते हैं 100 रुपया। फिर लेबर कॉस्ट 100 मीटर,
तो लेबर 10 मीटर स्क्वायर में लेबर कॉस्ट, सिर्फ लेबर कॉस्ट आता है 2 to 5 रुपीस, तो इतने रुपये आता है। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो 10 मीटर का कॉस्ट आता है 5,397। अभी इसके ऊपर वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 2%, लेबर चार्ज 1% करके यही रेट आता है। तो टोटल मेरा कॉस्ट आ जाता है इतना। अभी इसके ऊपर 15% मैं प्रॉफिट पकड़ूंगा, तो 15% प्रॉफिट। एंड तो टोटल 10 स्क्वायर मीटर का रेट आता है मेरा 6,369.75। तो टोटल 1 मीटर स्क्वायर का जो रिटर्न का रेट आता है तो 639.275, तो 640 रुपया राउंड अप करके मैं टोटल रेट आता है। तो पहले से एक बार पूरा देख लेते हैं हम लोग। पहले टोटल जो प्रोजेक्ट का शटिंग एरिया है उसको यहाँ पे पकड़ लिए हैं, उसका रिपीटेशन के साथ डिवाइड करके कितना प्लाई लगेगा, प्लाई के साथ कितना बैटन लगेगा वो हिसाब कर लिया हम लोग यहाँ पे। अभी यहाँ पे टोटल जो प्लाई और बैटन है उसका कॉस्ट और उसका साथ में जो मटेरियल लगेगा नेल्स वगैरह सब और लमसम एक कटिंग बेंडिंग मशीन जो लगेगा उसका एक कॉस्ट पकड़ लिया, तो मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे आ गया है। तो मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे आता है 277। उसके ऊपर जो सपोर्ट लगेगा उसका रेंटल, फिर शटरिंग ऑयल, फिर लेबर चार्ज फॉर फिक्सिंग। तो यहाँ पे रीमेकिंग का कॉस्ट हम लोग यहाँ पे पकड़ लिए थे, तो यहाँ पे सिर्फ फिक्सिंग का रेट है। उसके ऊपर वाटर चार्ज, लेबर सेस, प्रॉफिट पकड़ के मेरा टोटल रेट आता है 6,400। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे मटेरियल का जो शटरिंग का प्लाई है उसका रेट थोड़ा ज़्यादा पकड़ के रखा हो, लेकिन ऐसा पकड़ेंगे तो रेट एनालिसिस में बहुत ज़्यादा रेट आता है। लेकिन साइड में जो एक्चुअल प्लाई यूज़ होता है वो आपका एक प्लाई का कॉस्ट आता है 1,550 रुपया एक पीस, और बैटन का आपका होता है मोटा मोटी 4,500। तो देखिए यहाँ पे रेट अगर मैं कम कर दिया तो मेरा टोटल जो रेट एनालिसिस का रेट है वो कम होके 506 रुपया आ गया, क्योंकि शटरिंग रेट एनालिसिस कम होगा तो कम मिलेगा, और अगर अच्छा मटेरियल आप लोग यूज़ करेंगे तो रेट बढ़ जाएगा। तो मार्केट का रेट है एवरेज रेट वो ये है प्लाई और बटन का रेट, तो उसके हिसाब से मेरा रेट एनालिसिस का रेट आता है 506 रुपया, और अगर अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं हम लोग तो आता है 640 रुपया। तो ये था शटरिंग का कॉस्ट। तो थैंक यू।